हाय फ्रेंड्स, आज हम मैसेज भेजने जा रहे हैं अपने स्पेसिफिक पर्सन को जिनसे हमारी बातें नहीं हो रही हैं, या फिर बात हो भी रही है जिनकी, तो वो सुनने के लिए नहीं मिल रहा है हमें जो हम चाहते हैं, जो मैसेजेस हम चाह रहे हैं उनसे, जो इन्फॉर्मेशन हमें उनसे चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा है। सबसे पहली बात, आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो थॉट आप क्रिएट कर रहे हो, जो भी थॉट आपने क्रिएट कर लिया है वो ही रियलिटी बनेगी, और जो थॉट आप क्रिएट करके वहाँ भेज रहे हो वही चीज़ आपको सुनने के लिए मिलेगी। सी, टेलीपैथी अब तो बिल्कुल प्रूवन है कि हाँ, टेलीपैथी होता है, माइंड टू माइंड मैसेजेस ट्रैवल करते हैं, बिना फ़ोन बिना किसी गैजेट के भी आप इंसान को मैसेज भेज सकते हो। कैसे भेज सकते हो एंड क्या करना होता है उसके लिए, बस ये है कि आप जो भी थॉट क्रिएट कर रहे हो, जिस इंसान के लिए क्रिएट कर रहे हो, ये इंस्टेंट कब हो जाता है? अगर आपने अभी सोचा और किसी के बारे में आप सोच रहे हो और आपने देखा होगा कि एकदम से उसका फ़ोन आ गया, तो हमें लगता है कि मैंने अभी 5 मिनट पहले ही सोचा और एकदम से कैसे फ़ोन आ गया। ये तब पॉसिबल होता है कि आपकी वाइब्रेशन भी है, उनकी वाइब्रेशन भी है, वो भी उसी टाइम पे आपके लिए सोच रहे थे और आपने भी उसी टाइम पे सोचा, तो दोनों को एक दूसरे के साथ मैसेजेस को कन्वे करने में देर नहीं लगी, और वो उधर से जो भी थॉट आपने भेजा वो थॉट वापस आपके पास आ गई। सी, बिकॉज आप जो भी थॉट क्रिएट कर रहे हो, जिसके लिए भी क्रिएट कर रहे हो, वो थॉट आपके पास वापस आएगी। वो थॉट हर हाल में वापस आएगी आपके पास, अभी आए, थोड़े देर में आए, या फिर एक दो दिन के बाद आए, लेकिन वो आएगी। ओके, सी, आप होता क्या है, आप लोग अभी कम्युनिकेशन में नहीं हो अपने पार्टनर्स के साथ, आप सोचना शुरू कर देते हो कि वो मुझसे बात नहीं कर रहा, मुझे भूल तो नहीं गया, या फिर वो किसी और के साथ तो इन्वॉल्व नहीं हो गया, या कोई थर्ड पार्टी तो नहीं आ गई। उधर कुछ ऐसा हो या ना हो, आपने जब ये थॉट बना लिया तो अब आप प्रिपेयर हो जाओ कि ये रियलिटी बन के आपके सामने आएगा। अनटिल एंड अनलेस आप इस थॉट को कट नहीं करोगे, क्रॉस नहीं करोगे कुछ पॉजिटिव बोल के, ये बोल के कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ओके, सो नाउ कमिंग टू कि हम कैसे कॉन्टैक्ट करने वाले हैं अपने स्पेसिफिक पर्सन को, अपने जो हमारी जो वाइब्रेशन है उसके थ्रू हम क्या मैसेजेस भेज के उसे कॉन्टैक्ट करने वाले हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ें होंगी, अभी एक छोटा सा मेडिटेशन मैं आगे फ्यू मिनट्स का करवाऊंगी आप लोगों से, जिसमें आप लोग कॉन्टैक्ट करेंगे उसको, ठीक है, जो भी स्पेसिफिक पर्सन है उसे हम वाइब्रेशंस भेजेंगे, उसे हम अपनी एक्चुअली अपनी थॉट्स भेजेंगे, ठीक है। जो थॉट्स हमें चाहिए कि वो हमसे बोलें वही थॉट्स हम उन्हें भेजने वाले हैं, और कुछ भी बात नहीं करने वाले हम इस मेडिटेशन में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि आप लोगों को क्या करना है, दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो जब आप इस मेडिटेशन में आओगे, जब आप मेरे साथ, मैं ये मेडिटेशन आपको स्टार्ट करवाऊंगी आगे, तो उससे पहले आप प्लीज़ थोड़ा सा शांत हो जाइएगा। इफ़ यू आर इन सम क्राउडेड प्लेस, कहीं पे बाहर हैं या कहीं पे भी हैं, तो ट्राई टू सिट इन सम क्वाइट प्लेस, शांति वाले प्लेस में बैठिए, एंड ये मेडिटेशन आप अभी करके, अगर आप इसको और एक दो बारी भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, नो इश्यूज। सी, बिकॉज इसलिए मैं बोल रही हूँ ये करने के लिए, क्योंकि दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो कि अगर सामने वाला आपका पार्टनर भी आपके बारे में सोच रहा है, आप भी सोच रहे हो, तो बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाओगे। ओके, बहुत जल्दी हो सकता है, अगर आपने ये अभी किया है और 5-10 मिनट्स या फिर एक दिन के अंदर ही अंदर आपको कॉल आ जाएगी। एंड इफ रेजिस्टेंस ज़्यादा है, सामने वाला इज नॉट एट ऑल थिंकिंग अबाउट यू, बिल्कुल भी मतलब किसी दूसरे जोन में है, स्टिल होप, ऐसा नहीं है कि ये उन्हें इफेक्ट नहीं करेगी एंड वो आएगा नहीं, वो आएगा। आपको 1-2-3 बार ये मैसेजेस भेजते रहने पड़ेंगे, किसी भी वक्त, जिस वक्त आपकी वाइब्रेशन लेवल हाई है एंड ही इज एट पीस, कनेक्ट होगा एंड ही हैज टू गिव यू अ कॉल, राइट। सो थॉट्स आर गोइंग टू कम बैक टू यू, जो भी थॉट्स आप भेज रहे हो यहाँ से बना के, ये टेलीपैथी मैसेजेस है क्या एक्चुअली? ये वो होता है कि जो हम चाहते हैं सुनना सामने वाले से, वही मैसेज, वही थॉट हम एक क्रिएट करते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि हर थॉट मैनिफेस्ट होती है, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, हर थॉट बन के आएगी। आपने उस थॉट को वाइब्रेट कर दिया, भेज दिया, अब वो थॉट एक दिन में आए, दो दिन में आए, पर वो आएगी ज़रूर। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज कि आप जब उस पर्सन को, अभी हम यहाँ पर टेलीपैथी में उसको मैसेजेस भेजेंगे, तो आपको बस उसके साथ जो आपने बहुत अच्छे टाइम स्पेंड किए हैं, डिसेंट टाइम स्पेंड किया है उसके साथ, कुछ
हैप्पी मोमेंट्स को आपको याद करना है, नो फाइट्स, नो आर्ग्यूमेंट्स, क्या वो किसी के साथ एंगेज हो गया, कुछ हो गया, ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ आप हो एंड दैट एनर्जी है. हम यहाँ पे मैसेजेस एनर्जी लेवल पे भेजने जा रहे हैं. व्हेन टू एनर्जीज आर देयर, व्हेन टू सोल्स आर देयर, तो उसके आसपास जो भी चीज़ें हैं कि ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, वो सब चीज़ें नहीं, सिर्फ आपको उनको इमेजिन करना है. द पर्सन, आप वो फर्स्ट वे इमेजिन करो व्हेन, जब आपने उनको प्रपोज किया था या उन्होंने आपको प्रपोज किया था और आप दोनों एक रिलेशनशिप में आए थे. जस्ट इमेजिन वो वाला फर्स्ट डे, ठीक है, फर्स्ट डे इमेजिन करो, बिकॉज उस टाइम पे कुछ भी और अलग थॉट्स थे ही नहीं. उस टाइम पे जो फ्लो था आप लोगों के बीच में, वो फ्लो था सिर्फ फीलिंग्स का, सिर्फ पॉजिटिविटी की, सिर्फ एक्सेप्ट करने की भावना की. एक बहुत क्लोज एंड कंपैशनेट रिलेशनशिप था उस टाइम पे. उसी चीज़ को आप लोग अभी इमेजिन करोगे, उसके बाद की जो भी चीज़ें हैं उनको नहीं सोचना है, सिर्फ उसको सोच करके तब हम यहाँ से मैसेजेस भेजेंगे, सो दैट वो जल्दी से कनेक्ट हो, राइट. सो नाउ लेट्स कम टू दैट मेडिटेशन मोड. एंड एज वी नो, ऑल वाइब्रेशंस नीड एयर, हवा चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए. उस हवा को फील करने का सबसे अच्छा तरीका है जो हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, जो सांस हमारे अंदर जा रही है, जो हवा हमारे अंदर जा रही है बॉडी में, और जो हवा हमारे जब हम ब्रीद आउट कर रहे हैं तो बाहर आ रही है. तो उस हवा को फील करना है हमें इस मेडिटेशन में स्टार्ट करने से पहले. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. बी एट वेरी पीसफुल एंड यू नो, बहुत शांति की जगह में बैठ जाइए कहीं पे आराम से, या आप लेट भी सकते हैं, जिस भी मुद्रा में आपको बहुत शांति, पीस और कंफर्ट मिल रहा है वैसा आप कीजिए. आप लेट जाइए, बैठ जाइए, ओके. एंड नाउ क्लोज योर आइज, जस्ट क्लोज योर आइज, और अपने पार्टनर का फेस उसको आप देखने की कोशिश कीजिए. जस्ट इमेजिन द फेस ऑफ योर पार्टनर. ओके, नाउ जस्ट टेक अ डीप ब्रीथ, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, जैसे मैं बोलूंगी उसके साथ कीजिए. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, breathe out, breathe in, breathe out. Now just imagine your specific person. He is doing some job, some work somewhere. कहीं पे कुछ काम कर रहे हैं वो, किसी काम में busy हैं. अब आप उनकी सोल को अपने पास बुलाइए, बस इतना बोलिए उनका नाम लेके, जो भी आपके स्पेसिफिक पर्सन हैं उनका नाम अपने मन में लीजिए और उनके नाम को लेके आप उनको बुलाइए. उनको बुलाने का तरीका है, उन्हें हाय उनके नाम के साथ बोलिए, हाय. अब इमेजिन कीजिए कि वो पलट के आपकी तरफ देख रहे हैं. अब उन्हें आप अपने पास बुलाइए, जहाँ आप बैठे हैं वहाँ पे बुलाइए. नाउ आप सोल एनर्जी लेवल पे उनसे बात कर रहे हैं, वो आपके सामने बैठे हैं एंड आप भी सामने ही बैठे हैं उनके. आप दोनों एक दूसरे को देख रहे हो. अब आप लोग अपने अपने मैसेजेस उन्हें कन्वे कीजिए, बोलिए, अपना प्यार इजहार कीजिए. अपनी फीलिंग्स बताइए. आप उन्हें बताइए कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, आप दोनों कितने गहरे रिलेशनशिप में हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे के साथ रहने के लिए बने हैं. यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं.
आप दोनों बहुत जल्दी एक दूसरे के साथ शादी करने वाले हैं, सबके ब्लेसिंग्स के साथ सब खुश हैं और आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत फेथफुल हैं। आप एक दूसरे पे बहुत ट्रस्ट करते हैं एंड बहुत ही डीप रिलेशनशिप में हैं। अब यहाँ पे आप लोग जो भी अपने पार्टनर से सुनना चाहते हैं वो अपने अपने मन में पॉजिटिव थॉट क्रिएट करके बोलें, वही थॉट आपके पार्टनर आपको बोलेंगे। अब आप अपने पार्टनर को देखिए, एक स्माइल कीजिए एंड इमेजिन कीजिए कि आप लोग एक दूसरे को देख के स्माइल कर रहे हैं। फील द टच ऑफ योर पार्टनर, आप उनके टच को फील कीजिए कि वो आपका हाथ होल्ड करके बैठे हुए हैं एंड ये जो हाथ पकड़ा हुआ है इसको इमेजिन कीजिए कि ये जिंदगी भर का साथ है। इस साथ को फील कीजिए, इसके लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, ग्रेटफुल होइए। और अब आप अपने आप को वापस लेके आइए। ओके, अब वापस से डीप ब्रीथ इन डीप ब्रीद आउट करके इस मेडिटेशन से बाहर आइए। ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। नाउ रिलैक्स, कम आउट। ओके फ्रेंड्स, सो दिस मेडिटेशन इज़ ओवर एंड आई थिंक कि आप लोग एक अलग ही लेवल पे थे एंड फील हुआ होगा आप लोगों को इस एनर्जी लेवल पे। अगर आप बहुत डीप गए हैं एंड यू हैव डन विद कॉन्सेंट्रेशन, तो आप लोगों को ये मैसेजेस जो भी आपने अभी दिया है पॉजिटिव, ठीक है, ये आप लोगों को मिलेगा सुनने के लिए एंड आप एनर्जी लेवल पे कनेक्ट हुए हैं अपने अपने पार्टनर से। तो बहुत जल्दी आप लोग जिनका कॉन्वर्सेशन नहीं है, कनेक्शन में नहीं है, आप एक्सपेक्ट कीजिए कि बहुत जल्दी आप लोगों को वहाँ से मैसेजेस आने शुरू हो जाएंगे। एंड ये मेडिटेशन आप लोग दिन में भी जितनी बार करना चाहते हैं उतनी बार कीजिए। सी, बिकॉज इसलिए बोल रही हूँ मैं ये बार बार करने के लिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब हमारी लेवल, हमारी वाइब्रेशन, हमारे थॉट्स बहुत हाई लेवल पे हैं। जिस टाइम पे आप बहुत हैप्पी मोड में हैं, थोड़ा पीसफुल हैं, उस टाइम पे कीजिए। उस टाइम पे एनर्जीज बहुत आसानी से कनेक्ट होती हैं। ओके, उस टाइम पे आप जब ये थॉट्स भेज रहे हैं तो ये वाइब्रेट होके वापस आएंगी एंड यू विल गेट अ कॉल और अ मैसेज और कहीं से भी कनेक्शन आप ज़रूर बना लोगे इस मेडिटेशन के बाद। थॉट्स आर सो पावरफुल एंड आप बहुत जल्दी कनेक्ट हो पाएंगे अपने अपने पार्टनर से। आई होप आप लोगों को ये मेडिटेशन थोड़ा रिलैक्सिंग लगा होगा एंड जस्ट कीप डूइंग इट। थैंक यू सो मच।